हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल आत्माराम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है मेरे जितनी भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि किसी भी मोटर का लोड कैसे निकालेंगे, किलोवाट पता है तो करंट कैसे निकालेंगे, या फिर करंट पता है तो किलोवाट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों, एक फार्मूला है, उसको आपको समझना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, उस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। दोस्तों, अगर हमारे मोटर है, मान लो हमारे मोटर है 7.5 किलोवाट की मोटर है दोस्तों, 7.5 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमें करंट निकालना है, कितना करंट लेंगी। अब इसके लिए फार्मूला होता है, थ्री फेज मोटर है या सिंगल फेज मोटर है। थ्री फेज मोटर के लिए फार्मूला अलग होता है, सिंगल फेज मोटर के लिए फार्मूला अलग होता है। मान लो थ्री फेज मोटर है तो कैसे निकालेगा दोस्तों, कि इसका फार्मूला रहता है दोस्तों, किलोवाट इज इक्वल टू √3 VI cos φ। इसका फार्मूला है दोस्तों, ये पावर है इसका, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। अगर किलोवाट में निकालना, अभी किलोवाट हमको पता है 7.5 किलोवाट है, ओके दोस्तों। अभी किलोवाट को जब भी फार्मूले से आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसको वाट में कन्वर्ट करके ही हम उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं, है ना, इतना इजी होता है दोस्तों समझने के लिए। अभी मान लो 7.5 किलोवाट है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं दोस्तों, 7500 वाट लिख सकते हैं, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1.732, यह वैल्यू होता है दोस्तों √3 का। इंटू थ्री पर मोटर है तो वोल्टेज कितना होगा, 415 वोल्टेज होगा दोस्तों, ये 415 लिख दिया मैंने। इंटू आई करंट निकालना है, पावर फैक्टर कितना होगा दोस्तों, पावर फैक्टर किसी भी मोटर हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.85 हो सकता है, या 0.83 हो सकता है, 0.85 हम पकड़ के चलते हैं दोस्तों। उसके नेम प्लेट पे लिखा रहता है दोस्तों मोटर के, तो हम 0.85 पकड़ेंगे या 0.8 पकड़ेंगे एटलीस्ट। अभी करंट निकालना है दोस्तों, करंट निकालना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये करंट आई इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय, ये सब वैल्यू डिवाइड में चली जाएंगे दोस्तों, 1732 इंटू 415 इंटू 0.8। इसको सॉल्व करो दोस्तों, क्या आंसर आएगा, तो मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूं। इसका आ गया दोस्तों 7500 डिवाइडेड बाय 575 एटलीस्ट, आई इज इक्वल टू, अब इसको कीजिए दोस्तों, कितना आ रहा है 7500 डिवाइडेड बाय 575, तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 13, मतलब अपना मोटर जो करंट लेगा वो 13 एम्पीयर करंट लेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ बड़ा सा नहीं है। इसी तरह हम दोस्तों किलोवाट भी निकाल सकते हैं। आप दोस्तों इसको रिवर्स करके देखते हैं, मान लो हमारा जो फार्मूला है, हमें करंट पता है, सब पता है, किलोवाट पता नहीं, किलोवाट निकालना है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, तो 1.732 इसका वैल्यू आ गया, वोल्टेज है 415 वोल्टेज है, 420 भी रहता है, 415 पकड़ते करंट, अभी कितना निकाला करंट हमने, 13 एम्पियर, 13 एम्पियर करंट है, मान लो पावर फैक्टर 0.8 पकड़ के चलो, तो कैलकुलेशन के हिसाब से किलोवाट जो आएगा दोस्तों अपना, किलोवाट में निकालना है, तो ये 7500 ये वाट में आ गया दोस्तों। अभी इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 1000 का डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू निकल आएगा दोस्तों अपना, किलोवाट इज इक्वल टू 7.5, ये आ गया वैल्यू, ये अपना किलोवाट निकल गया है दोस्तों। बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखना दोस्तों, ये पावर का फार्मूला होता है दोस्तों। अगर आपको पावर का फार्मूला कोई कंफ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, टाइप्स ऑफ पावर, उनका सब सॉल्यूशन दिया, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, उसका वीडियो मैं मेरे लिंक में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो भी है वो शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।